हाय फ्रेंड्स, मेरे ग्रॉस मर्सी लॉ स्टार चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नेपाल सिंह है। एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम फ्रेंड्स जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में कैसे ऑनलाइन कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। और जब आप नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे कि जितनी भी वीडियोज हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, हालांकि मैंने बहुत पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, लेकिन अभी 2023 में किस प्रकार से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम ऑनलाइन कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, तो इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में किस प्रकार से हम कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे हम फाइल कर सकते हैं, इसी विषय में आज हमारी वीडियो रहने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप गूगल पे जाएंगे तो आप सर्च करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और जब आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया सेलेक्ट करेंगे, जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की वेबसाइट आ जाएगी। और इस वेबसाइट पे जैसे ही आप आएंगे तो आप यहाँ पर अबाउट अस के बाद एक्ट एंड रूल्स के बाद कंप्लेंट का सेक्शन देख रहे हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पर जैसे आएंगे फाइल कंप्लेंट ऑनलाइन, तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पर जो है सिलेक्ट स्टेट ऑफ इंसिडेंट, अब आपका जो किस स्टेट में वो इंसिडेंट घटित हुआ है सबसे पहले आपको वो सिलेक्ट करना है। आपको ध्यान रखना है कि वो इंसिडेंट का स्टेट सिलेक्ट करना है कि जहां पर इंसिडेंट हुआ है। सपोज आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपको आपके साथ इंसिडेंट हरियाणा में हुआ है, तो आप दिल्ली सिलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि आप हरियाणा सिलेक्ट करेंगे। यहां पर जैसे ही आप, जैसे सपोज आप दिल्ली के रहने वाले हैं लेकिन आपके साथ बिहार में कुछ घटना हुई है, तो आप बिहार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बिहार आ जाएगा। यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस आपको डालना है, और गेट ओटीपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके मोबाइल नंबर पर जो है एक ओटीपी आ जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डालते ही वैलिडेट ओटीपी जैसे ही आप करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। ये जो है आपका कंप्लेंट का पूरा पेज है, इसी पेज पर आपको सारी डिटेल फिलअप करनी है। बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, और ध्यान से देखिए कि यहाँ पर सबसे पहला जो हमको सेक्शन मिलता है वो है कंप्लेनेंट डिटेल्स, यानी कंप्लेनेंट डिटेल्स हमें भरनी है यहाँ पर कि कंप्लेनेंट की क्या डिटेल्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम भरेंगे, यहाँ पर जो है अपना जेंडर आप भरेंगे, आप मेल है, फीमेल है, क्या है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर पिन कोड नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने इंसिडेंट में पहले जो है जो फर्स्ट पेज पे मैंने सिलेक्ट किया था वो किया था दिल्ली, तो अगर मैं दिल्ली का, लेकिन मैं रहने वाला कहाँ का हूँ, मैं रहने वाला हूँ सपोज मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना हरियाणा डालूंगा क्योंकि यहाँ पर कंप्लेनेंट डिटेल्स के बारे में पूछा है कि कंप्लेनेंट की डिटेल क्या है। जैसे ही आप स्टेट डालेंगे तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट शोने लग जाएगा जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। अगर मैं रहने वाला जो है गोवा का हूँ तो यहाँ पर आपको उसके जो गोवा के नॉर्थ गोवा है, साउथ गोवा है, या कहाँ का मैं रहने वाला हूँ वो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं विक्टिम डिटेल्स में। विक्टिम कौन होता है, जिसके साथ वो घटना घटित हुई है, जो भुगत भोगी है, जिसने उस जो उस घटना का एक तरह से कह सकते हैं कि विक्टिम है, वो जो है यहाँ पर डिटेल डालेंगे। यदि आप खुद विक्टिम है तो आप यहाँ पर चेक करेंगे। अब यहाँ चेक पर चेक इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर डिटेल्स नहीं डाली है। तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, जहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप चेक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर आप सेल्फ के रूप में अपने आप को शो कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नेम आपको डालना है, यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, वही जो आपने ऊपर डाला था एज डालनी है, जेंडर सिलेक्ट करना है, यदि आपका कोई भी रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्धिस्ट, जो भी आप हैं। उसके बाद यदि आपके उस रिलीजन में कोई कास्ट आती है तो वो कास्ट आप डाल सकते हैं। यहाँ पर पिन नंबर डालना है या स्टेट डालना है।
यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है, और उसके बाद यहाँ पर यदि आप डिसेबल्ड हैं किसी तरीके से, फिजिकली आप डिसेबल्ड हैं, आप ब्लाइंड हैं या हैंडीकैप्ड हैं किसी तरीके से भी हैं, तो आप यस भरेंगे और नहीं तो आप नो रहने देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इंसिडेंट डिटेल में आना है। इंसिडेंट डिटेल इसके आगे जो सेक्शन है, थर्ड सेक्शन जो है हमारा इंसिडेंट डिटेल का है, यहाँ पर हमें डालना है प्लेस कि किस प्लेस में इंसिडेंट हुआ। सपोज मैंने यहाँ पर डाला था कि मैं रहने वाला कहाँ का हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, और मैं यहाँ पर जो है इंसिडेंट की डिटेल मुझे डालनी है कि मेरे साथ कहाँ पर किस जगह पर क्या घटना हुई थी। 32 करेक्टर्स मैं इसमें डाल सकता हूँ। इंसिडेंट की डेट क्या थी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। उसके बाद इंसिडेंट की कैटेगरी क्या है कि आपकी किस कैटेगरी से संबंधित इंसिडेंट है, क्या आपका किसी और प्रकार के बिजनेस या ह्यूमन एंड ह्यूमन राइट से संबंधित है, चिल्ड्रन से, डिफेंस फोर्सेस से, डिसेबिलिटी से संबंधित है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, या फॉरेन फॉरनर से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है, जेल से संबंधित है, जुडिशरी, मतलब काफी सारी कैटेगरी इसमें दे रखी है। जैसे ही आप कोई एक कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर इसके बाद सब कैटेगरी भी आपको शो होगी। सपोज आपने SC ST डाला या आपने पुलिस डाला, तो पुलिस के अंतर्गत जो भी सब कैटेगरी है आप यहाँ पर से देख के, जो भी आपकी इंसिडेंट से रिलेवेंट रिलेवेंसी रखते हैं, संबंध रखते हैं, वो सब कैटेगरी आप चूज कर लेंगे। उसके बाद इंसिडेंट स्टेट ऑलरेडी आपने ऊपर डाल दिया है, और डिस्ट्रिक्ट यानी जो भी इंसिडेंट का एरिया है, न्यू दिल्ली है जैसे मैंने दिल्ली डाला था, तो उसी का एरिया यहाँ पर शो होंगे एरियाज, और वहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो है आपको इंसिडेंट की टोटल डिटेल आपको लिखनी है, आपके साथ क्या घटना घटित हुई थी, किस प्रकार क्या घटना हुई थी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इस तरह से तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आप जो है यहाँ पर इंसिडेंट की डिटेल लिख सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गई रिलीफ डिटेल्स, यानी आप क्या रिलीफ चाहिए, आपकी क्या प्रेयर है, आप क्या चाहते हैं, आपने कंप्लेंट क्यों फाइल की है। तो यहाँ पर जो है आप 480 करेक्टर्स में अपना रिलीफ जो है लिखेंगे कि आप क्या है, क्या चाहते हैं, क्या आप किसी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, या आप किसी और प्रकार का रिलीफ चाहते हैं, किसी प्रकार की फेवर चाहते हैं, किसी प्रकार की प्रोटेक्शन चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो रिलीफ जो है आप यहाँ पर 480 करेक्टर्स में लिखेंगे। और यहाँ पर नेम एंड डेजिग्नेशन, कोई पब्लिक ऑफिसर है, कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसकी डिटेल्स देना जरूरी है, तो यहाँ पर आप पब्लिक सर्वेंट की डिटेल दे सकते हैं, यहाँ पर उस पब्लिक सर्वेंट का ऑफिस का एड्रेस आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर डिटेल्स के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर जो सेव एंड सबमिट में जो लास्ट सेक्शन जो हमारा है, इसमें लिखा हुआ है कि शो विक्टिम डिटेल्स ऑन वेबसाइट, क्या आप विक्टिम की डिटेल, जो भुगत भोगी है, जिसके साथ वो घटना हुई है, जो पीड़ित है, क्या आप पीड़ित की डिटेल जो है इसमें चाहते हैं कि आप वेबसाइट पे शो हो। तो यदि आप चाहते हैं तो आप यस करें, और यदि नहीं चाहते तो आप नो करें। यहाँ शो कंप्लेंट कंप्लेनेंट डिटेल्स ऑन वेबसाइट, क्या कंप्लेनेंट की डिटेल जो शिकायत करता है, क्या उसकी डिटेल वेबसाइट पे शो होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं तो यस करें, नहीं चाहते हैं तो आप नो भी कर सकते हैं। इसके बाद इज इट फाइल्ड बिफोर एनी कोर्ट स्टेट HRC, क्या आपने ह्यूमन राइट्स कमीशन, किसी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में या फिर कोर्ट में किसी प्रकार से आपने फाइल किया है इस तरह की कंप्लेंट को। यदि आपने किया है तो यस करें, और यदि आपने नहीं किया है तो आप नो कर सकते हैं। अगर आपने किसी प्रकार से किसी कोर्ट में या फिर स्टेट कमीशन किसी अपनी कंप्लेंट को डाला है, तो यहाँ पर आपको स्टेट और जो भी प्लेस है उसका नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। 120 करेक्टर में आपको लिखना पड़ेगा। यदि आपने नहीं डाला है फिर तो आपको डालने की जरूरत नहीं, यदि आपने यस किया है तो आपको यहाँ पर मेंशन जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद फिर प्रव्यू में आप देख सकते हैं, प्रव्यू जैसे ही आप करेंगे तो आपको एक प्रव्यू पेज नजर आएगा, और फिर आप वहां से क्या कर सकते हैं और देख सकते हैं, और उसके बाद फाइनली सबमिशन का आपके पास एक ऑप्शन आएगा और आप उसे सबमिट कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपको आपकी जो है सारी केस फाइल की का नंबर और सारी डिटेल्स जो है आपको दे दी जाएगी कि आपकी कंप्लेंट का क्या नंबर है, और आप किस तरीके से आप उसको आप स्टेटस देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है केस स्टेटस जो है अगर आपको चेक करना है, तो आप यहाँ पर केस
इस स्टेटस के टैब में जा सकते हैं, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो जो भी कमीशन है, जिस जैसे कि स्टेट कमीशन जो भी आपका रहा है, कमीशन है उसका जो है आप डालेंगे यहाँ पे अपना कंप्लेंट का जो नंबर है, डायरी नंबर है, या तो आप डायरी नंबर डाल सकते हैं या फिर फाइल नंबर, केस फाइल नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कैप्चा को आपको यहाँ पर जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको यहाँ पर टाइप करना है और उसके बाद सर्च करना है, तो आपको आपका स्टेटस नजर आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप जो है अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कैसे लॉज कर सकते हैं, कैसे आप उसका जो है स्टेटस देख सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ, क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें काफी लोगों ने पूछा था कि जी कैसे स्टेटस देखें। हालांकि स्टेटस देखने की जानकारी मैंने दी थी, लेकिन 2023 में क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है और किस प्रकार से, क्योंकि वेबसाइट्स में और उसके प्रोसीजर्स में, और जैसे हम लोग सबमिट करते हैं कंप्लेंट तो उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल होता रहता है, तो उसी फेरबदल को आज मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार से आप जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में और उसके अंतर्गत जितने भी स्टेट कमीशन है उसमें आप जो है अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, उसका स्टेटस देख सकते हैं। और जब भी कभी आपकी स्टेट कमीशन में जो है फाइल होती है, तो जिस विभाग से संबंधित आपकी शिकायत होती है वहां के आला अधिकारी को जो है वो फॉरवर्ड कर दी जाती है। जैसे पुलिस से संबंधित है, कोई क्रिमिनल एक्शन हो आपको करवाना है, तो वो कंसर्न आपके डिस्ट्रिक्ट के एसपी के पास चला जाएगा और वहां से जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो फ्रेंड्स आज मैं इतना ही आपको बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें और नोटिफिकेशन में ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।